केंद्र सरकार द्वारा हर उम्र वर्ग के लिए कई शानदार योजनाएं चलाई जा रही हैं और इनमें एक विशेष योजना बेटियों के लिए है, हमारी बेटियों के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना की, जो हमारी बेटियों के लिए है। बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक पैसों की टेंशन को सुकन्या समृद्धि योजना समाप्त करती है। इसमें 8% से अधिक का ब्याज आपको मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र और आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY स्कीम पर मिल रहा है 8.2% ब्याज। बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी है, लोकप्रिय है, और इसका कारण है इस योजना में मिलने वाला इंटरेस्ट। जनवरी मार्च 2024 तिमाही के लिए इस योजना पर आपको 8.2% का धांसू ब्याज दिया जा रहा है। सरकारी योजनाओं की इंटरेस्ट दरों को हर 3 महीने में संशोधित किया जाता है, आप जानते हैं। हालांकि शुक्रवार को सरकार ने इनकी दरों को स्थिर रखने का निर्णय किया। मतलब ये हुआ कि सुकन्या समृद्धि योजना पर भी फिलहाल आपको 8.2% इंटरेस्ट मिल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो आपकी बेटी को लखपति बनाती है और बिटिया रानी के लिए आपकी चिंताओं को दूर करती है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपकी बेटी को मिलेंगे 69 लाख रुपए। कैसे? सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेशन पर अगर आप जरा सी दृष्टि डालें, देखें, तो एक कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप 5 वर्ष की उम्र में अपनी बेटी के नाम से SSY अकाउंट ओपन करते हैं, इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश करते हैं, तो फिर बेटी के 21 साल के होने पर उसके हाथ में 69 लाख रुपए से अधिक पैसे होंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस योजना के तहत तय की गई अधिकतम निवेश राशि 1.5 लाख रुपए आपको 15 साल तक बिटिया के नाम से जमा करनी है। इसके हिसाब से आपकी जमा की गई रकम होगी 22,50,000, 22.5 लाख। अब इस पर 8.2% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस अवधि में ये हो जाएगी सीधे सीधे 46,77,578 रुपए। इस दृष्टि से आपकी बेटी के 21 साल के होने पर बेटी को मिलेंगे 69,27,578 रुपए। इस योजना में महज 250 रुपए से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम यानी कि अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस योजना की विशेष बात यह है कि आपको पूरे 21 साल तक पैसे बिल्कुल जमा नहीं करने, अकाउंट ओपन कराने से लेकर 15 साल तक आपको पैसे जमा कराने हैं। जब आपकी बिटिया 15 साल की होगी उसके बाद पैसे देना बंद कर दीजिए। सरकारी योजना में इंटरेस्ट तो शानदार मिल ही रहा है। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की 6 टैक्स छूट का फायदा भी मिल रहा है और आपकी जब बिटिया 21 साल की होगी तो 69 लाख यानी कि 70 लाख के लगभग उसको पैसा मिल जाएगा। अब आप कैसे खोल सकते हैं और कौन कौन ये अकाउंट खोल सकते हैं? सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए आपको भारतीय निवासी यानी कि आप और हम भारतीय होना जरूरी है, बिटिया के माता पिता का कानूनी अभिभावक होना जरूरी है, यानी कि वैसे तो बच्चे अपने ही हैं लेकिन कानूनी होना चाहिए, आपके पास सारे कागजात होने चाहिए कि वो आपकी बेटी है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10 वर्ष तक की बिटिया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में आप निवेश कर सकते हैं। आप बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक इस योजना का अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस योजना में आपको अधिकतम 2 लड़कियों के लिए अकाउंट खोलने की आज्ञा है। अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, 2 ही लड़कियों के लिए आप खोल पाएंगे। अगर जुड़वा बेटियां हैं तो 3 के लिए आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकते हैं। अगर एक साथ आपकी 2 बेटियां और 1 बेटी और है तो 3 के लिए खोल सकते हैं आप। मैच्योरिटी से पहले क्या पैसे निकाल सकते हैं, आपके मन में ये सवाल आता होगा। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना का मैच्योरिटी पीरियड तो वैसे 21 साल है, मतलब पूरी रकम इस अवधि के बाद ही निकाली जा सकती है, बीच में नहीं। लेकिन लड़की की उम्र 18 वर्ष होने के बाद पढ़ाई के लिए आप अपने खाते से राशि निकाल सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। शिक्षा के लिए अकाउंट में जमा बैलेंस का 50% आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बिटिया की शिक्षा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के तौर पर देने होंगे। पैसा आपको इंस्टॉलमेंट या एक साथ भी मिल सकता है, जैसे आप चाहें ले सकते हैं, लेकिन वर्ष में एक ही बार आपको पैसा मिलेगा और 5 साल तक आप किश्तों में पैसा निकाल सकते हैं। बेटी की शादी के लिए अगर आपको पैसे निकालने हो तो इस अकाउंट में जमा कुल पैसों का 50% आप फिर से निकाल सकते हैं। तो शादी के 1 महीने पहले से लेकर 3 महीने बाद तक पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा आपकी बिटिया के 21 वर्ष पूरे कर लेने के बाद ही आपको मिलेगा। और अगर इस दौरान आप एक भी पैसा नहीं निकालते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए आपको 69 लाख रुपए से ज़्यादा मिल जाएगा।